सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर जीवनी में बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकों की सूची नीचे दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वो 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। आरक्षण पर शुरू से ही अपनी नजर रखते, इसके साथ ही आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव उनकी मांग होती। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई भी नहीं लेने देते।